हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ट्रक में ढोलकी होती है उसका क्या काम होता है, किस तरीके की वो होती है और क्यों इसको जो है लगाया जाता है, जिससे कि गाड़ी में जो धुआं निकलता है साइलेंसर की साथ में ये निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ढोलकी लीक हो जाती है तो इसको नया भी लगाया जाता है। ये सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये लाल कलर की, इसे हम ढोलकी बोलते हैं। और ये जो है हमारे नीचे की साइड आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये साइलेंसर से जुड़ी होती है जो कि नीचे इंजन के थ्रू जो धुआं निकलता है उसके ऊपर ये लगाई जाती है, जिससे कि ये होता है कि अगर जो भी धुआं निकलता है वो एक तरह से फिल्टर होकर निकलता है। इसको जो है ऊपर की तरफ भी लगाया गया है, टांग के रखते हैं। इसमें बुल्ट के द्वारा इसको कसा जाता है। तो ये मैंने जो है नया अब लगवाया है, क्योंकि ये जो है काफ़ी दिनों से पुराना हो गया था और ये ढोलकी वगैरह जो है बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो इनको बदलवा देना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है धुएं को, प्रदूषण को एक तरीके से सही रखते हैं और सही तरीके से उसको मैनेजमेंट करके रखते हैं। तो अंदर से आप इसको देखना चाहते हो तो इस तरीके का ये आपको जो है देखने को मिलेगा। और इसमें जो है वेल्डिंग समय समय पर करवाई जाती है, क्योंकि वेल्डिंग का काम इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। हिलने के बाद जो है ये ढोलकी आपकी गिर भी सकती है, ये सभी जो है वेल्डिंग से ही जुड़ी हुई होती है। इसमें एक यहाँ पे जो है एक बुल्ट कसा हुआ है, एक पलिस टाइप होता है, ये इंजन से निकलता है जो धुआं, वो धुआं ये निकलता है। इसके अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एक जाली निकली होती है और वहाँ से जो है धुआं निकलता है। तो ये इस तरीके का ढोलकी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की बात मैं आपको करूँ तो ये एक एरिस्टर रैमगा, साफ़ नहीं दिख रही क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम हो गया लगे हुए, जब नई थी तो मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन थोड़ा सा पुरानी हो गई तो इसका वीडियो मैंने अब जो है अपलोड किया है। तो ये ढोलकी का काम होता है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ आपको और भी हमारी इस वीडियो में अगर आपको कुछ देखना है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ढोलकी साइलेंसर के बारे में मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो आज के वीडियो आपके लिए इसीलिए था क्योंकि जो ढोलकी होती है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जो है पता होता है। ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती है, क्योंकि ड्राइवर आपको बनना है तो ये भी आपको ज़रूर जानना पड़ेगा और इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि ढोलकी क्या होती है, साइलेंसर कहाँ जुड़ा हुआ होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ वेल्डिंग होती है, नीचे भी वेल्डिंग होती है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको फुल नॉलेज हो जाएगी ढोलकी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में। तो आशा करता हूँ आज की नॉलेज आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएंगी।